साथ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के टेस्ट क्यूरेटर और होलकर स्टेडियम में पिछले कई सालों से विकेट को तैयार करने वाले श्री समंदर सिंह चौहान मौजूद हैं। 24 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 एकदिवसीय मैचों का तीसरा मैच खेला जाने वाला है। इस मैच के बारे में हम समंदर सिंह जी से जानना चाहते हैं कि विकेट किस तरह से तैयार किया गया है। तो विकेट अच्छी हमारे 23 अगस्त से ही उसकी तैयारी चालू कर दी थी और उसमें हम लोग 2 दिन का 90 ओवर का मैच भी खिला चुके हैं, तो विकेट काफ़ी अच्छी है, उसके लिए विकेट को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आप बीमार भी थे और अस्पताल में भी थे और अस्पताल से ही निर्देश दे रहे थे विकेट तैयार करने के लिए। हाँ, मैं बीमार भी था, अस्पताल से चल रहा था मेरा जी। मैं लगातार अपने स्टाफ और अपने साथियों से टच में था, बिल्कुल बात कर रहा था। इंदौर में ये 5वां वनडे मैच होगा और हमेशा अच्छा विकेट का चरित्र रहा है और बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहा है, इस बार आपकी क्या संभावना दिख रही है आपको? नहीं, अच्छी संभावना है, बारिश का व्यवधान ही एक मेन जी रीजन है, अदरवाइज तो हमारी तैयारी अच्छी दिशा में जा रही है और काफ़ी तैयार है, उससे भी निपटने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये अलग बात है कि जब मैच का टाइम हो या टास्क का टाइम हो, उस टाइम पे अगर पानी गिरता है और मैच रुकता है तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं। मौसम पर तो किसी का बस चलता नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि इंद्र देवता मेहरबान रहे। आज आपने 2 बार सुबह धूप खिली हुई थी और दोपहर के बाद मौसम में एकदम से करवट बदली और आप तब से देख रहा हूँ कि आपकी निगाह सीधे मैदान पर लगी है, तो आपने आज कटिंग करवाई घास की या क्या क्या हुआ विकेट के बारे में? आज हमने आउटफील्ड की कटिंग भी की है जी, और कटिंग कल भी की थी, आज भी की और आज रोलिंग भी की हमने आउटफील्ड पर जी। जैसे ही बारिश आई तो हम लोगों ने आज कवर डाल दिए है जी, तो अच्छे से तैयारी चल रही है। कोशिश ये है कि मैच अच्छा हो, अभी जैसे हमने आज भी पढ़ा अखबार में, आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला कि लोग 40-40 घंटे 36-36 घंटे लाइनों में लगे रहे, रात दिन वहाँ पर बैठे रहे, सब कुछ उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जितनी मेहनत की और पैसा खर्च किया है उसका प्रतिफल उनको अच्छे से मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। बाकी मौसम के लिए भगवान शायद उन लोगों की दुआएं भी कबूल करेंगे कि इन्होंने इतने कष्ट उठा के और खेल देखने के लिए अगर ये टिकटें खरीदी है तो इन लोगों के की वजह से ही पर्टिकुलर 24 तारीख को पानी नहीं आया बस जी। बाकी तो हम देख लेंगे सब। आपके साथ कितना स्टाफ लगा हुआ है इस मैदान को तैयार करने में? मेरे जो रेगुलर स्टाफ में जो 10 लोग हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा हमारे जो रेगुलर साथी जो एनपीसी से जुड़े हैं वो लोग भी हैं, उसके अलावा डेली स्टाफ का भी हमारा है, एनपीसी का पूरा स्टाफ के साथ साथ जो डेली वेजेस का स्टाफ है, जो वो भी ट्रेंड है, वो ट्रेंड इसलिए है कि वो हर मैच में हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, तो पर्टिकुलर एक ही कॉलोनी से आते हैं वो ज़्यादातर लोग कुल कितनी संख्या है जो मैदान में? आज की तारीख में लगभग 50 के आसपास है और मैच वाले दिन 70 से 80 लोग रहेंगे। आज आपने फर्टिलाइजर भी डाला गया है? हाँ, थोड़ा फर्टिलाइजर डाला है हमने, जहाँ थोड़ी जरूरत थी फर्टिलाइजर डालने की वहाँ पर डाला है। आपको हमेशा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली की शाबाशी मिलती रही है इंदौर के विकेट के बनाने पर, और पिछले 4 जो मैच होलकर स्टेडियम में हुए हैं उसमें सभी में भारतीय टीम विजयी होकर मैदान से बाहर आई है, तो आप कभी कभी उन दिनों को याद करते हैं आपको जब शाबाशियाँ मिला करती थी? श्रीमान जी, अच्छे दिन कौन भूलना चाहेगा जी, वो जिंदगी के कुछ ऐसे अनमोल क्षण है मेरे लिए जी, वो मैं क्या कोई भी होगा तो कोई भी भूल पाएगा उनको, तो वो तो हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे, बिल्कुल हमारे इसमें दिमाग में दिल में जी उसको डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जब जब मर्जी होती है जब उसको चला के देख लेते हैं। होलकर के इसी स्टेडियम पे वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन बनाए थे, 219 रन, और सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दोहरा शतक बनाया था और दोनों ही जगह आप ही ने विकेट तैयार किए थे, तो आपको कुछ पुरानी यादें? काफ़ी यादें हैं, काफ़ी पुरानी यादें हैं,
ग्वालियर में जब सचिन ने पहली बार बना के काफ़ी खुशी हुई थी कि 200 रन बने और पहली बार जी शुरू में, उससे पहले सचिन तेंदुलकर नेहरू स्टेडियम में 2001 में ये वनडे क्रिकेट में पहली बार 10,000 रन बनाने वाले बैट्समैन हुए, काफ़ी बड़ी खुशी हुई थी। फिर सहवाग ने यहाँ पर 200 रन बनाए, 219 रन बनाए, काफ़ी बड़ी खुशी हुई। उसके बाद अभी टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 200 रन बनाए और टेस्ट मैच इंडिया जीती न्यूजीलैंड से। जी सारी यादें हैं, अच्छी यादें, और इन्हीं को ध्यान में रख के हम आगे, हमको मोटिवेशन मिलता है और उससे उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ें और अच्छी से अच्छी प्लेइंग कंडीशन प्रोवाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद समंदर सिंह जी। धन्यवाद।